बेच दी गई स्टेडियम की कीमती जमीन, पवेलियन के नीचे की भूमि दुकानदारों के कर दी गई हवाले, स्टेडियम मैदान में चर रहे मवेशी, खेलों की सुविधा ना के बराबर, नगर का एकमात्र स्टेडियम दुर्दशा का शिकार है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए जहां सुविधाओं का अभाव है, तो वहीं इस स्टेडियम को खेल के अतिरिक्त अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से बचाने के लिए खेल प्रेमियों को लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। नगर के खेल प्रेमियों को जब स्थानीय प्रशासन से कोई राहत नहीं मिली, तो वे न्यायालय की शरण में गए, जहां से उन्हें राहत प्राप्त हुई और नगर पालिका प्रशासन को खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस मामले में नगर पालिका सीएमओ कहते हैं कि राहत शिविर 2 के बाद जो स्टेडियम के गड्ढे आदि को ठीक करने का आदेश प्राप्त हुआ था, उसे उसी समय कर दिया गया था। ट्रैक बनाकर देने एवं अन्य दूसरे निर्माण कार्य कोरोना काल के चलते प्रभावित हुए हैं। उसके बाद रेत की कमी भी एक बड़ा कारण थी, जिसके चलते ये निर्माण नहीं हो सके। इस पर खेल प्रेमी कटाक्ष करते हैं कि अनलॉक हुए काफी समय हो चुका है और उसी समय से सभी तरह के निर्माण कार्य जिले में प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में सीएमओ साहब की यह बात गले नहीं उतरती। रेत की कमी को लेकर भी इन खेल प्रेमियों का कहना था कि रेत के भंडार नगर एवं नगर के आसपास लगे हुए देखे जा सकते हैं। ऐसे में नगर पालिका को रेत नहीं मिलना समझ से परे है। स्टेडियम की दीवार से लगी हुई नगर पालिका की दुकानें हैं, जिन्हें काफी वर्षों पहले व्यापारियों को बेच दिया गया था। अभी हाल ही में जब स्टेडियम के इस ओर पवेलियन का निर्माण कराया गया, तो उसके नीचे की खाली भूमि को इन दुकानदारों को अंदर ही अंदर बेच दिया गया। इस पर खेल प्रेमी कहते हैं कि नगर पालिका प्रशासन सिर्फ स्टेडियम का केयर टेकर है, अर्थात उसका रख रखाव ही कर सकता है। उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उसकी है और वह स्टेडियम की जमीन को बेच नहीं सकता। लेकिन सीएमओ नगर पालिका कहते हैं कि तात्कालीन सीएमओ द्वारा यह निर्णय लिया गया था, जिसमें परिषद का निर्णय भी शामिल था और साथ ही कलेक्टर मंडला की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा ही यह प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। स्टेडियम की यह भूमि जो 2 फुट या उससे अधिक भूमि है, कलेक्टर रेट पर दुकानदारों को दी गई है। इससे नगर पालिका की आय में ही वृद्धि हुई है। इस पूरे मामले में कौन सही और कौन गलत, इसका निर्णय तो आने वाला समय करेगा। लेकिन पवेलियन के नीचे की इस भूमि को यूं ही ना बेचा गया होता, तो इसका कई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता था। खेल से संबंधी संरचना बनाई जा सकती थी, खिलाड़ियों के रुकने एवं सामान रखने के कमरे बनाए जा सकते थे। इस तरह की अदूरदर्शिता की अपेक्षा कोई भी समझदार शहरी नहीं कर सकता। सर, स्टेडियम ग्राउंड को लेकर उच्च न्यायालय के आदेश थे, कुछ संरचना बना के आपको साफ करके देनी थी, दिन सभी को उस पर कितना काम हुआ है? हमारे यहाँ पे जो महात्मा गांधी स्टेडियम है, उसमें जो ट्रैक बनाना था और जो अलग अलग बाथरूम और स्ट्रक्चर बनाना था, जो BRTF योजना के अंतर्गत जो ड्राइंग डिजाइन और काम स्वीकृत हुआ है, वो काम चल रहा है। COVID-19 के कारण 22 मार्च से काम प्रभावित है और वर्तमान में रेत की भी प्रॉब्लम है, और जैसे ही लॉकडाउन और रेत वगैरह मिलने की ये जो सारी प्रक्रियाएँ हैं, काम कराया जाएगा। जहाँ तक हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की, तो वो राहत 2 को लेकर के थी कि इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन ना हो, जो गड्ढे हैं उनकी मरम्मत कार्य कराया जाए और उसमें सुरक्षा गार्ड और खेल प्रशिक्षक वगैरह रखने के लिए भी जो निर्देश दिए गए थे 4-5 पॉइंट में, तो उसमें हमने जो राहत 2 शिविर आयोजित हुआ था, उसकी तत्काल उपचार जो गड्ढे वगैरह हुए थे शिविर लगाने से, तो हमने तत्काल ठीक करा दिया था। और
जो कार्ड और अन्य चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर, उसके लिए हमने गवर्नमेंट को प्रस्ताव बना करके प्रेषित कर दिया है और उसका कंप्लायंस भी हमने माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। अब ये जो लेफ्ट हैंड का पवेलियन बना हुआ है, इसको लेकर कहा जाता है कि अंदर ही अंदर जो दुकानें हैं उनको बहाली में ही या नगर पालिका द्वारा उनको बेच दिया गया है, इसको क्या कहना चाहिए? जो पूर्व से योजना थी जिसमें दुकान बनी थी उसमें एक या दो फिट के आसपास लगभग जो पीछे का एरिया बचा था जो कि अनुपयोगी था, उसको परिषद और जिला कलेक्टर के माध्यम से निर्णय करवा के उतनी राशि कलेक्टर गाइडलाइन के साथ जमा की गई है। नया कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जो पुरानी दुकानें बनी थी उसी के अंदर वो कार्रवाई की। आपका कहना है कि एक से दो फिट जगह उनको दी गई? जो पीछे एक से दो फिट थी, कई जगह का ज़्यादा मिलेगा कई जगह कम मिलेगा, उसमें जो पीछे का हिस्सा अनुपयोगी हिस्सा था जो किसी के काम में नहीं आएगा उसको दुकानदारों को सुविधा हो जाए, नगर पालिका को बाहर हो जाए, उसमें कार्रवाई की। खेत प्रेमियों का ये भी मानना है कि स्टेडियम जो है उसकी केयर टेकर है नगर पालिका प्रशासन, उनको जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, ऐसा क्या सही है? ये जो कार्रवाई है बहुत पहले की कार्रवाई है, यहाँ दुकान बन चुकी थी, नीलामी की कार्रवाई हो गई है। जहाँ तक स्वामित्व की बात है तो उसमें जिला कलेक्टर अध्यक्ष हैं उस भूमि के, और फिर एक कमेटी बनी हुई है और जिला कलेक्टर के द्वारा रख रखाव के लिए नगर पालिका अधिकारी को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में खेल एवं कल्याण विभाग को यदि ये ट्रांसफर हो जाता तो ज़्यादा उचित है। हाँ साहब, ये जो पवेलियन बना हुआ है स्टेडियम के अंदर जी, इसके नीचे की जगह जो है जी, ये पीछे दुकानदारों को बेच दी गई जी, इस पर क्या कहेंगे? मैं एक तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन जो है अधिकृत होना चाहिए खिलाड़ियों के लिए, और ये ज़मीन का जो है मतलब मिसयूज़ हुआ है पुलमला की। सीढ़ियाँ जो बनना था या रैंप जो भी बनना था वो शॉर्टकट में छोटी और बहुत अच्छी बन सकती थी, और इसके अंदर की जगह है उसको मतलब जो भी इसका है नगर पालिका या जिला प्रशासन नगर प्रशासन, उनको ये ज़मीन को अपने पास रखना था। कभी भी होने वाले छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चे यहाँ रुक सकते थे कभी भी, और यहाँ पर खिलाड़ियों के सामान जो होते हैं फुटबॉल या जो भी सामान यहाँ रखा जा सकता था, इंडोर गेम्स वहाँ हो सकते हैं। लेकिन नगर पालिका या संबंधित विभाग जो है ज़मीन को बेचा बीच मचाया है और बहुत ज़्यादा कीमत रखा है इसकी, लगभग 16-18-20 लाख रुपए की कीमत रखा हुआ है, और जो दुकानदार नहीं ले रहे हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आप ये जगह नहीं लेते हो तो किसी और को बेच दी जाएगी, ये सब गलत है। मैं तो कहता हूँ ये जगह जो है इसको आरक्षित होना चाहिए था, क्योंकि मंडला नगर के अंदर जो है इतना बड़ा स्टेडियम मात्र एक है, और अब ज़मीन की भी कमी आती जा रही है समय के साथ साथ, तो इस जगह को आरक्षित रखना था खेल प्रेमियों के लिए। ये दुकानदारों को जो जगह दी गई है वो कितनी जगह है? मेरे मतलब करीब करीब 15-16x20 या 22 है एग्जैक्ट, हर दुकान के पीछे जी जी 16x20 तो है लगभग जी। इसकी कास्ट क्या रखी गई थी? इसकी कास्टिंग है 15 लाख रुपया, और इससे ऊपर से कुछ पैसे ही लेन देन का हिसाब किताब पहले मुझे मालूम हुआ था कि 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा भी लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है जो लोग दिए हैं वो बताने को तैयार नहीं होते, लेकिन मंगा तो गया है लोगों से पैसा और दिए भी हैं लोगों ने। इसके पुराने जो परिषद रही उसमें लोगों ने पैसे का खूब खेल हुआ है, और आपत्ति भी दर्ज हुई थी, बहुत सारी पेपरबाजी हुई थी, ये सब बातें हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आपके परिजनों की भी एक दुकान है जी जी जी, तो इसका ऑफर आपके पास भी आया था? जी मेरे पास भी ऑफर आया था, अभी भी एक नोटिस रखा हुआ कि आप जल्दी जल्दी बताएं करना क्या है, लेना नहीं लेना है, अदरवाइज ये जगह जो है तुम्हारी पीछे किसी और को दे देंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, सामने जने जो मेरी दुकान है वो ली हुई दुकान है, इसके ऊपर ये मेरा अधिकार है, इसके पीछे भी मेरा अधिकार है, आप किसी को बांटना चाहें बांट दें, मैं जबलपुर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दूंगा भाई, न्यायालय है न्यायालय की शरण में जाऊंगा मैं। ये जो नोटिस किसके बिहाफ से आया था? नगर पालिका CMO साहब या जो भी प्रशासन हो दे दी गई। अब कैसे दी है, किस आदेश के तहत दी है, ये तो आप नगर पालिका मेंटेनेंस में है ये ग्राउंड, वो जमीन किसी को बेच नहीं सकती हमारे हिसाब से।